छतरपुर में एक पत्नी अपने दिव्यांग पति को गोद में उठाए अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रही है। लवकुश नगर ब्लॉक के परसानिया गांव की रहने वाले अंजू गौंड अपने दिव्यांग पति को गोद में उठाकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची, जहां उसने जिला सीईओ को आवेदन देकर मांग की कि उसका पति 7 साल से अपनी शिक्षिका माँ की मौत होने के बाद अनुकंपा नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। वहीं नौकरी नहीं होने की वजह से उनका वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान है और पीड़ित की शिकायत पर जिला सीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। गोद में लेके पीठ में टांग के ऐसे ही लेके जाते हैं हर जगह पे। 2015 से अनुकंपा नियुक्ति के लिए मेरे पति, मेरी सासू माँ जो थी अनुकंपा नियुक्ति, मतलब उनकी जगह पे हमारे पति को मिलना है, उनकी जगह पे कलेक्टर आपके साथ फिर मैं आई हुई हूँ। अभी तो बोला गया, मैम ने बोला कि मैं जांच करवाती हूँ, जब भी मैं आती हूँ यही बोलती है कि जांच करवाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसमें। विगत 7 वर्षों से परेशान है अनुकंपा नियुक्ति के लिए। माँ हमारी अध्यापक थी और उनकी 2015 में मृत्यु हो गई थी, तब से हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान है और कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने आ चुके हैं और जन सुनवाई में आज फिर हम आए हैं और मैडम ने हमको आवेदन लेकर के आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करवाती हूँ, जबकि अधिकारी बोल देते हैं कि आपने 1 लाख रुपए आपके खाते में जा चुके हैं, अनुकंपा का निराकरण हो गया, जबकि हमने 1 लाख रुपए नहीं मांगे हैं, हम बार बार कह रहे हैं। और 16/12/2015 के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जी का लेख है कि अंशुल गौड़ राशि लेने के लिए सहमत नहीं, फिर भी मुझको राशि का हवाला देकर के परेशान किया जा रहा है। हमारी पत्नी 7 वर्षों से लगातार गोद में लेकर के और हर अधिकारी के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, डीओ साहब के यहाँ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, बीडी शर्मा सांसद जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, हर जगह जा चुकी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, आज मेरे संज्ञान में ये जनसुनवाई में ये आए हैं और ये जो डिटेल्स बता रहे हैं तो उसकी जांच हम कराएंगे, है ना, और जांच में जो भी निकल के आता है उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। मैडम एक और है।